हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। टुडे आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन यू वेरी बेसिक चैप्टर ऑफ इंग्लिश, दैट इज एम आर। व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ इज? आई हैव रिटन हियर है। हिंदी मीनिंग ऑफ एम हू एंड हिंदी मीनिंग ऑफ आर मीन्स है। दोस्तों हमको यही तीन चीजें पढ़नी है, थ्री हेल्पिंग वर्ब्स। अफर्मेटिव सबसे पहले, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ अफर्मेटिव? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को भी हम क्या बोलते हैं दोस्तों? नाउन। मैं आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं कि सब्जेक्ट क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती हैं और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। नाउ आई वुड लाइक टू गिव यू एग्जांपल। सपोज दैट मैं इस समय व्यस्त हूं। दोस्तों सबसे पहले हमें देखना है कि व्हाट इज द लास्ट ऑफ द हिंदी ट्रांसलेशन। हियर वी हैव फाउंड दैट हूं। हमें इससे पता चल जाता है कि ये इज एम आर का यूज है। और सेंटेंस को देखते हैं, दिस इज ए टोटली सिंपल सेंटेंस। तो हियर हमें ध्यान देना है कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट आई, हमेशा हमें पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस में 100% सब्जेक्ट पहले मिलेंगे और हेल्पिंग वर्ब सबसे लास्ट में इंडिकेट करते हैं। फिर इसके बाद नंबर वन आई, नंबर टू आई के साथ क्या यूज होगा हेल्पिंग वर्ब? हू। और नंबर थर्ड बेस्ट। और नंबर फोर्थ इस समय। यानी इंग्लिश को क्या करना है, हमें फर्स्ट से शुरू करना है और सीधे लास्ट में चले जाना है और वन 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 कर करके हमारा पूरा सेंटेंस 100% सही हो गया। सपोज दैट सब्जेक्ट आई। अब हमें देखना है कि आई के साथ क्या यूज होता है? एम। आई एम फिर क्या है? बिजी व्यस्त। फिर क्या है? इस समय। इस समय के लिए हम क्या बोलते हैं? एट दिस टाइम। देन फुल स्टॉप। दोस्तों ये आई का था। सेकेंड आई एम गोइंग टू गिव यू एग्जाम्पल इन हिंदी एंड यू विल मेक इन इंग्लिश। वह एक अच्छा नागरिक है। सेकेंड तुम पढ़ाई के लिए बहुत सीरियस हो। बहुत सीरियस हो। दोस्तों ये दो सेंटेंस आपके घर के लिए हैं। आप इन्हें ट्रांसलेट करेंगे और आप चाहे तो चेक करने के लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर का यूज कर सकते हैं एंड यू कैन सेंड योर सेंटेंसेस ऑन माय व्हाट्सएप नंबर। नाउ आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन यू अबाउट द नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं दोस्तों? नेगेटिव सेंटेंस जिसमें हमें नहीं मिलता है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस नाउन। दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ नेगेटिव सेंटेंस। सपोज दैट मैं बोलता हूं सोना एक सुंदर लड़की नहीं है। सुंदर लड़की नहीं है। दोस्तों पहले हमें क्या करना है? सेंटेंस को देखना है। सेंटेंस किसमें है? पॉजिटिव में, नेगेटिव में, इंटरोगेटिव में। हमने सेंटेंस को देखा तो हमें सेंटेंस में क्या पता चला? नहीं। और नहीं क्या इंडिकेट करता है दोस्तों? नहीं हमें इंडिकेट करता है टूवर्ड्स द नेगेटिव। अब हमारा फॉर्मूला है, पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट सबसे पहले पाया जाता है सोना। सोना किसी का नाम है इसलिए इसके साथ क्या यूज होगा? इज। और है, फिर हमें क्या लगाना है? नॉट। सोना इज नॉट। फिर क्या है? एक सुंदर लड़की।
एक के लिए क्या इंडिकेट करेंगे, ए ब्यूटीफुल, और लड़की के लिए गर्ल। सोना इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। ओके दोस्तों, अब मैं दो सेंटेंस आपके घर के लिए देता हूं। राज सर आजकल दिल्ली में है, दिल्ली में नहीं है, क्योंकि हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। ओके दोस्तों, मोबाइल बच्चों के लिए अच्छा नहीं है,